नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। चुनाव की दृष्टि से हॉट सीट माने जाने वाली करनाल विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर होगी। इसी के चलते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा करनाल से सरदार त्रिलोचन सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके चलते आज सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा भारी दलबल के साथ पहुंचकर लघु सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। नामांकन के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि बढ़ते अपराधों को देखते हुए करनाल सीएम सिटी ना होकर क्राइम सिटी बन चुका है। महिलाओं की हालत इतनी बुरी है कि आए दिन महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी के नाम पर कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राज में यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, उसी की आसपास की सड़कों को दुरुस्त कर भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि इस सिटी की दुर्दशा अगर देखनी है तो दलित बस्तियों में जाइए। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, परंतु सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार किसानों को उस तरह से फसलों के भाव और सुविधाएं देगी जिससे किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाषणों से देश और प्रदेश नहीं चलता है। कांग्रेस हरियाणा के स्वाभिमान को फिर से स्थापित करके रहेगी। पार्टी छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री लोगों ने अगर बना दिया सीएम सिटी कलाई, लेकिन क्या आज वो सीएम सिटी है, ये क्राइम सिटी है। करनाल का जो ग्राफ है वो बिहार से कई गुना आगे बढ़ गया है। क्या आप उसको सीएम सिटी मानते हो? क्या स्मार्ट सिटी की कहीं बात नजर आती है? चंद सड़कें बनाकर ये कह देना स्मार्ट सिटी, जय स्लम बस्तियों में, जय मेरे वाल्मीकि भाइयों की बस्तियों में, जय मेरे हरिजनों बस्तियों में, जय मेरे जो छोटी जात जिनको ये कहते हैं बीजेपी वाले, मेरे भाई हैं सब, मेरे दुख सुख के साथी हैं, उनकी बस्तियों में जाएँ और जाकर बात करें, पता लग जाए कहाँ है। आज करनाल के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सर, जेजेपी से तेज बहादुर जो पूर्व फौजी हैं, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन भरी है, तो उनको आप अपने कितना एक मतलब जोरदार वो मानते हैं विपक्ष, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जेजेपी ने किसको भेजा है? जिसको भेजा है फौजी को भेजा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ा था, उसका नामकरण पत्र रद्द कर दिया था। मैं फौजियों को, जितने भी मेरे देश के सरहदों पे लड़ाई लड़ने वाले हैं, मैं उनका सलूट करता हूं। वो करनाल मेरे शहर में आए हैं, मैं कैंडिडेट ना होने के नाते अलग किसको छोड़कर उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जहां बात जजपा की है, वो किस पार्टी से आए हैं, बात उसकी करने वाली है। जजपा पार्टी का करनाल में कोई जनाधार नहीं है। बाकी रहेगी फौजियों के बाद, हम जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम सारे लड़ाई वही लड़ रहे हैं, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी फौजी हैं। करनाल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला हर कार्यकर्ता फौजी है, फौजी लड़ने वाले हैं, हम भी सब फौजी हैं। हम अपने आप को अलग नहीं समझ सकते, हम फौजी हैं, फौजियों को सलाम करते हैं, लेकिन कांग्रेस हर कार्यकर्ता फौजी है। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि अगर करनाल की जनता उनमें विश्वास जताती है, विधायक बनाती है, तो वह करनाल के हर वर्ग का उत्थान करेंगे और करनाल में बेहतर विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हर वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मंदी और व्हीकल एक्ट जैसे मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये सभी आमजन को परेशान करने वाले मुद्दे हैं, जिसका जनता ने विरोध भी किया है। अगर हमारी सरकार आई तो हम बिना किसी भेदभाव जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, दलित, दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कड़े मुकाबले में आगे आए। अगर आप सभी का साथ रहा तो हम इसमें अवश्य ही जीत दर्ज करेंगे। इस मौके पर उनके साथ अरविंद मान नीटू, कांग्रेसी नेता द्वारा कवरिंग कैंडिडेट का नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस मौके पर उनके साथ सुमिता सिंह के पति जगदीप अशोक खुराना, पंकज पुनिया, सपना राणा, जयपाल मान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।